और आप उनको प्रसाद प्रार्थना कर देगा। बहन दर्शना जी साक्षी जी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की जय। स्वीकार करें सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की जय। निरंकारी दीवारों के कैमरे वाले हैं सब नीचे आ जाएं, कृपा करके जल्दी से नीचे आ जाएं। और मीडिया मुलाकात हम वैसे तो बचपन से जानते हैं बट संगत के थ्रू ही हुई और हमारे पेरेंट्स ने रखा जो था रिलेशन और हमें सब मंजूर था जैसा कि सतगुरु माता जी की हुजूरी में या सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से हम अब शादी कर रहे हैं। इट इज़ टोटली अरेंज मैरिज। जैक्सन अंगामी है, मैं नागालैंड से बिलोंग करता हूँ। अभी फ़िलहाल यहाँ पे TCS पे मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मुंबई में। हम दोनों सेम कंपनी में काम करते हैं, वहीं पर हम दोनों का मिलन हुआ है और आज बहुत खुशी के दिन है कि मैं उसके साथ शादी, फाइनली माई ड्रीम्स कमिंग्स ट्रू, सो आई एम वेरी हैप्पी टुडे। मैं ऐसा कुछ जात धर्म में मानता ही नहीं, मैं सोचता हूँ सब एक है। मुझे मेरे बाबा जी ने बताया हम सब एक है, तो मैं सब नहीं मानता। मुझे भरोसा मेरे गुरु पे। प्रयत्न कर रहे थे कि हम किसी को धोखा ना दे, किसी को ये नहीं मतलब किसी को दुखाए नहीं तो हम चाहते तो भाग के शादी कर सकते थे, लेकिन हमने बोला नहीं, हम घर वाले को दुखाएंगे नहीं, किसी को नाराज नहीं करेंगे, हम समागम में ही शादी करेंगे और हमारे बाबा जी घर वाले सबको मना लेंगे। आखिर सब हमारे घर वाले मान गए, मेरी मम्मी भी आ गई, इनके मम्मी पापा भी आ गए, सब खुश है। देखिए ऐसा है कि रिलीजन और कास्ट का हमारे फॉर्म में कॉलम नहीं है, लेकिन फिर भी आज की लिस्ट में जब हम नज़र डालते हैं तो कुछ इस्लाम से जुड़े हुए नाम हैं, बाकी हिंदू तो हैं ही हैं और क्रिश्चियन नाम हैं, तो इसलिए यहाँ कोई टैबू नहीं है। तो इस तरह इसीलिए शायद ये एक अपने एक खामोश रेवोल्यूशन आ रहा है समाज में निरंकारियों के अपने इस मिशन को लेकर, कि इस मिशन की विचारधारा कितनी पसंद आ रही है लोगों को और ये सादा रस्म जो है शादी की सतगुरु की हाजिरी में इसको भी कितना प्रेफर कर रहे हैं। ऐसा है कि ये संत निरंकारी मिशन में जब भी यहाँ मुंबई में महाराष्ट्र का समागम मनाया जाता है जनवरी में, तो पिछले कई सालों से ये सामूहिक शादियों का कार्यक्रम भी जुड़ जाता है। 3 दिन का समागम होता है और 4th दिन शादियाँ होती हैं। तो आज इसी तरह कल समागम समाप्त हुआ 51वां और आज 99 कपल्स जो हैं वो शादियाँ कर रहे हैं सामूहिक शादी फंक्शन में। तो इसमें एक बाहर से आया है अपने कैलिफोर्निया से, दोनों ही अमेरिकन हैं, एक अब पहली बार शादी उसकी हो रही, लड़की की दोबारा हो रही है, री मैरिज हो रही है, और अपने मुंबई से 40 दूल्हे हैं 41 दुल्हने हैं और महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों से भी 44 दूल्हे हैं और 46 लड़कियां हैं। तो इस तरह कुल मिला के अपने 84 दूल्हे और 87 दुल्हन ये अपने महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र के अलावा दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, असम और अपने झारखंड और इसी तरह और भी कई स्टेटों से यहाँ अपने दूल्हे दुल्हन पहुँचे हैं, परिवार पहुँचे हैं। तो ये लगता है कि एक मुंबई एक ख़ास अट्रैक्शन हो गया है इन पेरेंट्स के लिए। कई तो 4-4 महीने 6-6 महीने इंतज़ार करते हैं, रिश्ता पहले तय हो जाता है लेकिन शादी के लिए इंतज़ार करते हैं, और लगता है उनको एक तो सादा शादियां पसंद है, सादा रस्म पसंद है, और दूसरा जो यहाँ सतगुरु के अपनी हाजिरी में अपने आशीर्वाद लेते हैं वो उनको बहुत बड़ा अट्रैक्शन है।
क्योंकि हमारे निरंकारी शादी की जो रिलीजियस सेंक्शन है वो हमें सतगुरु से मिलती है। तो सतगुरु जब जहाँ स्वयं प्रेजेंट होते हैं तो ये कपल जो हैं, परिवार जो हैं, वो उसको प्रेफर करते हैं। तो इस तरह ये यहाँ आप देखेंगे कि वेल क्वालिफाइड दूल्हे दुल्हन भी आए हैं, जैसे 56 लड़के लड़कियाँ, 31 लड़के और 25 लड़कियाँ ग्रेजुएट हैं, 5 लड़के और 11 लड़कियाँ पोस्ट ग्रेजुएट हैं, 2 लड़के और 2 लड़कियाँ MBA हैं, 2 लड़कियाँ डॉक्टर हैं, 6 लड़के इंजीनियर हैं, 2 लड़कियाँ इंजीनियर हैं, और इसी तरह 18 लड़के नॉन निरंकारी परिवारों से आए हैं और 13 लड़कियाँ नॉन निरंकारी परिवारों से आई हैं। इसका मतलब 31 परिवार कम से कम ऐसे हैं इन शादियों में जिन्होंने सादा रस्म को और सतगुरु की हाजिरी में इस सेरेमनी को प्रेफर किया है।